हाय गाइस, सो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और हम लोग हो गए हैं थोड़ा सा लेट निकलने में, हमें निकलना था अराउंड 12 बजे बट अभी 12:30 बज चुके हैं। मैं सामान लेके नीचे जा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा गाड़ी में रख के आ रहा हूँ। तो हम लोग तैयार हैं, सारा सामान गाड़ी में रख दिया है एंड दिस इज़ आर बीस्ट, वी आर रेडी टू गो। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जर्नी और बोल साचे दरबार की जय। घर से चले और कितने 20 किलोमीटर पे हमारा पहला स्टॉप आ गया डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया। लास्ट मोमेंट कुछ शॉपिंग रह गई है अभी अंशु की। लास्ट मोमेंट अभी क्यों कोई शॉपिंग करी नहीं है? क्यों नहीं करी है? क्योंकि ये सडन प्लान था। हम तो ये मतलब जो भी शॉपिंग थी वो लास्ट मोमेंट हो गई है। यहाँ जारा के शोरूम में अभी जा रहे हैं अंदर, जल्दी ले लो जो करना है, आधा घंटे में, आधा घंटे से ज्यादा टाइम नहीं लगाना प्लीज। हाँ चलना है, जल्दी करो। क्या कह रही हो? खुद तो ना भी नहीं रहे थे। तुम बड़ी, तो तुम क्या कर रही थी? तुम तैयार तुम भी नहीं हुई थी ना? मैं सुबह से नहा के बैठी। तुम बाद में तैयार हुई हो जब मैं नहा धो के निकल गया, फिर तुमने पहनी पहनाई ड्रेस निकाल के दूसरी पहन ली है। पहली बार ऐसा हुआ है अंशु कि तुमने इतनी जल्दी शॉपिंग कर ली है ना, 15 मिनट के अंदर 4 टॉप खरीद लिए, कमाल कर दिया आज तो तुमने, थम्स अप टू यू। अब जल्दी से चलते हैं, अभी एक बार हमें एक जगह और रुकना है, अभी तो NFC। हमारी रोड ट्रिप के सेकंड स्टॉप पे हम पहुंच गए हैं, ये है सैलून मार्को एल्डेनी और अंशु आई है यहाँ पे, उसको एक्चुअली अपने हेयर कलर कराने हैं। तो हमारे कम से कम 2 घंटे अभी यहाँ लगेंगे, उसके बाद हमारी एक्चुअल रोड ट्रिप जो है वो शुरू होगी। बुरा लग रहा है कि जल्दी हो गया? हो गया, दिखाना पीछे कल क्यों करा दिया तुमने। हम लोग पहुंच चुके हैं सिंगू बॉर्डर के आसपास और यहाँ पर भयंकर जाम लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा ही जाम है बिकॉज ये इधर जो सड़क है ये पूरी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी बन रही है और यहाँ पे सारे में जाम लगा हुआ है, इस वजह से छोटा सा 2 ही लेन चल रही है। मेरे को यार जाम में बहुत इरिटेशन होती है, जाम से बहुत इरिटेशन होती है मेरे को। सुखदेव ढाबा क्रॉस कर दिया हमने पर हम यहाँ रुकेंगे नहीं बिकॉज हम ऑलरेडी लेट हैं। कितना टाइम हो गया अंशु? 7:15 बज गए और अभी तक हम पानीपत भी नहीं पहुँचे और हमें पहुँचना था, हमने सोच रखा था कि हम किस टाइम तक कि 4 बजे निकलेंगे तो 3, 3.5, 4 घंटे ज़्यादा 8 बजे तक पहुँच जाएंगे बट इतनी हाईवे पे ट्रैफिक है, मतलब समझ नहीं आ रहा हाईवे पे ट्रैफिक का क्या मतलब है। और सबसे बड़ी बात कि मैंने ट्रैफिक से बचने के लिए एक नीचे से सड़क पे से उतार लिया जो मैं हमेशा करता हूँ और अंशु जब तक अच्छी खासी सो रही थी और जब तक हम उस सड़क पे रहे हैं गांव के अंदर से निकल के आए तब तक ऐसे ही बैठी रही, क्योंकि मुझे पता है ना इसको डर लगता है। तुमने क्या किया था? क्या किया था जिम कॉर्बेट में? देखा नहीं था कैसी रोड पे लेके गए थे? कौन सी रोड पे ले गया था? जिम कॉर्बेट में जो वाटरफॉल देखने के चक्कर में चले गए थे। वाटरफॉल देखने के चक्कर में गए थे कब? आप जब लास्ट टाइम जिम कॉर्बेट गए थे हम लोग। अच्छा याद आ गया मेरे, कौन सा वो भगसू वाटरफॉल था, कुछ और था, पता नहीं क्या था, है ना। कुछ भी ले लो। एक बार फिर से पानीपत से पहले ही जाम लग गया, ये ना जगह जगह हाईवे बन, ओ हाईवे कह रहा, जगह जगह कोर्स जो बन रहे हैं ना उसकी वजह से जाम लगा हुआ है बार बार, फिर सर्विस लेन में सारा ट्रैफिक जाता है तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाता है। अरे यार कब पहुंचेंगे भाई, थोड़ी देर में नींद आने लगी मेरे को। वी हैव जस्ट क्रॉस पानीपत, अभी पानीपत क्रॉस किया है और रुके हुए हैं तिरंगा ढाबा पे। तिरंगा ढाबा पे लगा हुआ है बहुत बड़ा ऊंचा तिरंगा और रुकने का कारण ये है बिकॉज कान्हा जी हमारे साथ हैं और कान्हा जी को
इनके खाने का टाइम हो गया है, तो कुछ मिल ही नहीं रहा था कहीं पे भी, तो यही थोड़ा ठीक सा लग रहा था तिरंगा ढाबा, तो मैंने सोचा यहीं पे रुक के कान्हा जी के लिए कुछ मिठाई या कुछ ले लिया जाए। बोलो, ये हमारा पहला स्टॉप है ना? ये दिल्ली से पहला स्टॉप है तुम्हारा? दिल्ली से? हाँ। तुमने दो बार तो दिल्ली में रुकवा ली गाड़ी, एक बार डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया में गई, अरे और एक बार पार्लर में जा रही। दिल्ली का मतलब नहीं समझते क्या? नोएडा और दिल्ली में अंतर नहीं है? मैंने नोएडा में रुकवाई है, दिल्ली में रुकवाई है, आफ्टर दिल्ली बोला है, दिल्ली के बाद। जाम कितना था मूर्थल पे? जैसे मेरा प्लान था, बट हम मूर्थल पे नहीं रुके ना। अच्छा, क्या मूर्थल पे तो नहीं रुके? इतना जाम था कि ट्रैफिक इतना बुरा। मेरे गले में भी कुछ हो गया, यहाँ पे मैंने खुजली कर ली हल्की सी, यहाँ पे रैशेज हो गए, रैशेज सा हो गया इचिंग की वजह से ना। कान्हा जी के लिए रसगुल्ले और हैं, बैठे हुए आराम से। मुझे बहुत टेंशन हो रहा था। किसको? तुम्हें टेंशन हो रही थी? दोनों को। मैं भी यही सोच रहा था, मैंने कहा यार कोई अच्छा सा मिल ही नहीं रहा, कोई अच्छा सा ढाबा मिल जाए कोई ठीक, तो उससे ले लें। फाइनली यही मिला, पर अच्छा लग रहा है ये, ठीक है एम्बियंस वाइज, और वैसे ठीक लग रहा है, ये नया बना है मुझे लग रहा है, इसमें वॉशरूम वगैरह। हाँ नया बना है ये, अभी जाना है तो वॉशरूम चले जाऊँ। आ गए हैं अंबाला के पास, शाहबाद नारकंडा, एंड ये है डॉक्टर अखिल शर्मा और इनकी वाइफ डॉक्टर शेफाली। ये हमें मिले थे पहली बार मालदीव्स में, और मालदीव्स के बाद हम लोग ऐसे दोस्त बन गए कि हमने उसके बाद कहीं जा ही नहीं पाए। हमने ऐसा कोरोना लग रहा है कि हम ना खुद जा पाए ना दूसरे कोई जा पाए। सिंगापुर हम तो उसके बाद वही, मतलब वैसे तो कहीं जगह गए पर आउट ऑफ इंडिया तो कहीं जा ही नहीं पाए। 19 में कुछ थोड़ा सा काम हो गया था उस वजह से नहीं जा पाए, अभी 20 से तो हमने लॉकडाउन ही लगवा लिया, तब से तो बिल्कुल ही। अब प्लान करेंगे जल्दी चलेंगे फिर कहीं ना कहीं, ना साथ में प्लान करते हैं फिर चलते हैं। कहीं को बोला दुबई चलते हैं, ये कह रहे हैं दुबई नहीं जाना। चलो इनसे बात करते हैं, मिलते हैं, और आप लोगों को मिलेंगे कल सुबह। आज हम यहीं रुकने वाले हैं इनके साथ, ये हमारे होस्ट हैं आज के, तो मिलेंगे कल सुबह और फिर आगे की जर्नी पूरी करेंगे। बातें करते करते समय का पता ही नहीं चला, 2 बज चुके हैं रात के, और अभी सोने का टाइम हो गया है, बिकॉज हम प्लान कर रहे थे कि कल सुबह अर्ली निकलेंगे, बट आई डोंट थिंक कि अभी पॉसिबल हो पाएगा, तो देखते हैं 9 बजे 10 बजे यहाँ से निकलेंगे, और फिर कहाँ तक जा पाते हैं और कौन सा रूट लेना है वो कल जब हम चंडीगढ़ पहुँचेंगे तो उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे। तो मिलेंगे आप लोगों को अगली व्लॉग में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए अगर आप लोगों को स्पीति वैली के बारे में कुछ भी कहना है या कुछ भी जानना है तो। बाय बाय, गुड नाइट।